बंदा नहीं, ये बोला कि हम भी आ रहे हैं, चलो अंदर, सबको अंदर तक ले दिया और फिर बंद कर दी। मासूमों को बंदूक दिखाई, आ गए आ गए, बिस्कुट दिलाए और बोला अगर तुम बोले तो उड़ा देंगे, 25 किलो बारूद लगी है। बम से उड़ाने की धमकी दी। अंदर अंदर कैसे रखा आपको? ताकि खाना अंदर रहा, ताकि मेरी बिटिया जन्म लेना, हैप्पी बर्थडे। 11 घंटे खौफ में रहीं 23 मासूमों की जिंदगी। सभी बच्चे पूरी तरीके से, बच्चों के जो मां-बाप हैं, बच्चों के मां-बाप आगे आ जाएं। यूपी के फर्रुखाबाद के गांव करथिया में 11 घंटे चला हाई वोल्टेज ड्रामा कितना खौफनाक था, उसका अंदाजा इन बच्चों के चेहरे में दिख रहे खौफ से लगाया जा सकता है। करीब 7 घंटे के ऑपरेशन के बाद आखिरकार पुलिस 23 बच्चों की जिंदगी बचाने में कामयाब रही और माँ बाप को उनके दुलारे सही सलामत वापस मिल गए। कल दोपहर करीब 2:30 बजे से शुरू हुआ ये खौफनाक खेल रात को करीब 1:30 बजे जाकर खत्म हुआ, जब पुलिस ने एनकाउंटर में सिरफिरे सुभाष बाथम को ढेर कर दिया। आईजी कानपुर रेंज और डीएम और एसएसपी के टीम ने, सभी ने डिसाइड किया कि वी शुड अटैक एंड वी शुड ट्राई टू डू इट। धमकी जब बम चलाने की बात हुई तो पीछे के दरवाजे से पुलिस की टीम जो है, यूपी पुलिस की टीम ने उसको अंदर प्रवेश करना चाहा, उस पर फायर किया गया। इस सुभाष बाथम के द्वारा फायर किया गया और उस फायर के एक्सचेंज में पुलिस की टीम ने भी फायर किया, जिसमें ये सुभाष बाथम मारा गया। सुभाष ने इन बच्चों को जन्मदिन के नाम पर अपने घर में बुलाया था, जहां उसने गांव के 23 बच्चों को बंधक बना लिया। बच्चों ने वापस जाने की जिद की तो उसने घर के दरवाजे बंद कर दिए। सुभाष की पत्नी भी अपने पति के साथ थी, जो लगातार बच्चों को धमकी दे रहा था। बच्चे तो मतलब 1 साल से लेकर के 10 से 12 साल के थे, मासूम बच्चे थे, तो स्वाभाविक जब उसने फायर किया तो बच्चे सहम गए थे और इसीलिए बाहर उनकी कोई चीख चिल्लाने की, रोने की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। सवाल मासूमों की जिंदगी का था। ऐसे में पुलिस और एटीएस के सामने ये ऑपरेशन किसी चुनौती से कम नहीं था। एक भी गलती मासूमों की जान ले सकती थी। ऐसे में पुलिस ने बड़ी सूझबूझ के साथ इस ऑपरेशन को खत्म किया और सभी 23 बच्चों की जिंदगी बचाने में कामयाब रही। बच्चे ज्यादा संख्या में थे तो हम लोगों ने फिर रिस्क, पहले तो सोचा गया कि हाँ इसको कार्रवाई की जाए, लेकिन फिर सोचा गया कि इस पर टीम को ही बुला लिया जाए, तो इसीलिए हमने एटीएस से संपर्क किया। एटीएस की टीम आ ही रही थी, तब तक आजी सर आ गए और आजी सर के नेतृत्व में फिर हम लोगों ने रिस्क लिया कि अब ज़्यादा विलम्ब करना ठीक नहीं है, बच्चे ज़्यादा हैं, टाइम काफ़ी हो गया है, तो उसमें मानते हुए कि एक आध कैजुअल्टी हो सकती है, उसमें हमारा पुलिस का भी कोई जवान मर सकता है या एक आध बच्चा भी मर सकता है, इससे ज़्यादा कैजुअल्टी नहीं होने दी जाएगी, इसी उसके तहत जो है रणनीति तहत बाहर का और अंदर का दोनों दरवाजे एक साथ तोड़ने का प्रयास किया गया और अंदर का दरवाजा टूटते ही उस पर फायर किया गया, जिसमें कि उसको एक गोली लगी है और उसकी पत्नी भी घायल हुई है। दरअसल जैसे जैसे वक्त बीता जा रहा था, गांव वालों का धैर्य भी जवाब दे रहा था। उनके दिल के कलेजे घर के अंदर कैद थे, जिनकी जिंदगी एक सिरफिरे के हाथ में थी। गाँव वालों ने देर रात घर में पथराव शुरू कर दिया। पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद थी। सुरक्षा बलों ने भी घर को चारों ओर से घेर रखा था। पुलिस ने बातचीत में सुभाष को व्यस्त रखा, जबकि एक टीम पीछे से गेट पर तैयार खड़ी थी। रात करीब 1:15 बजे गांव वालों ने घर पर हमला बोल दिया और घर का मुख्य दरवाजा तोड़ दिया, जिसके बाद पुलिस भी घर में घुस गई और एनकाउंटर में सुभाष को ढेर कर दिया। गाँव वालों का गुस्सा सुभाष की पत्नी रूबी पर भी निकला, जिसे गाँव की महिलाओं ने जमकर पीटा। पुलिस वालों ने जैसे तैसे गांव के चंगुल से रूबी को छुड़ाया और गंभीर हालत में अस्पताल भेजा, जहां उसने दम तोड़ दिया। नहीं समझना चाहता था सर। अच्छा, उसको पब्लिक ने जब मारा तो पुलिस ने बचाने की कोशिश की? हाँ की थी सर। अच्छा, उसके बाद उसके पब्लिक बहुत थी, इसलिए मतलब जाना बचाव नहीं हो पाया। तब भी पुलिस वालों ने बहुत वो किया, उसे मतलब अपनी गिरफ्त में लिया, फिर वो अंदर को भागा, तब वहाँ पे मारा, फिर उसने मतलब फायरिंग वगैरह की। पहले फायरिंग की थी बाद में? पहले उसने की थी, फिर पुलिस ने की। 5 पुलिसकर्मियों समेत 6 लोग ऑपरेशन में घायल हुए हैं। वहीं घर से हथियार बरामद किए गए हैं, जिसमें तमंचे बंदूक के अलावा हथगोले भी हैं। कोई हथियार लेकर किस तरह डराना शुरू किया और किस तरह के हथियार होने की आशंका है?
नहीं नहीं अचानक तो घटना हो ही नहीं सकती है, क्योंकि जिस ढंग से उसने बाहर तार ला करके एक बम फिट किया था और उसको जो है ब्लास्ट किया है, अंदर जितने भारी मात्रा में उसके पास एक देसी तमंचा, देसी राइफल, सुतली बम और सारी चीज़ें बरामद हुई भारी मात्रा में कारतूस, तो ये चीज़ अचानक नहीं हो सकती है। इसका मतलब कि उसने बहुत पहले से तैयारी किया था और उस तैयारी के तहत ही सारे बच्चों को अपने बच्ची के जन्मदिन के बहाने अंदर बुलाया। तो खुद के बच्चों को भी रखा था? हाँ, उसकी एक बेटी है लगभग एक साल की, तो उसी का जन्मदिन मनाने के लिए सारे बच्चों को अंदर बुलाया था। तो निश्चित रूप से ये बहुत दूरगामी सोच के तहत उसने किया है, कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। मुख्यमंत्री ने पूरी पुलिस टीम को 10 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की है, जिसने इस पूरे ऑपरेशन को सफल बनाया। वहीं गांव में भी ऑपरेशन खत्म होने के बाद खुशी की लहर दौड़ गई। इस पूरे ऑपरेशन में सभी बच्चों को न सकुशल सिर्फ बचा लिया गया, बल्कि जो मेन एक्यूज था, अपराधी था, उसको भी मार दिया गया। फिलहाल अब आगे की जांच से साफ होगा कि आखिरकार इस प्लानिंग के पीछे की असली वजह क्या थी और आखिर कोई क्या और भी शामिल था। कैमरामैन नीरज कुमार के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, फरुखाबाद।